बाहर निकलती हूँ, टैनिंग तो हो ही जाती है ना, और दो तीन महीने में मैं पेडिक्योर भी करा लेती हूँ। महंगा पड़ता है बट क्या करें। तो घर पे क्यों नहीं करती पेडिक्योर? एक घंटा मैं नहीं देने वाली पैसों किसने में, किसने का एक घंटा रहता है? आज मैं ऐसे स्टेप्स बताऊंगी तुझे कि नहाते नहाते कब तेरा पेडिक्योर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बस उसके लिए क्या करना है हमको? 1 लाख लाइक। पहले क्या करना है? पैरों को गलाएंगे। अब एक बकेट पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और 1 ग्लास दूध। अच्छे से मिक्स कर लो और पैरों को पानी में डाल दो। लेकिन बकेट क्यों ली? टब में तो आराम से हो जाता ना। टब में तेरे इतने से पैर डूबते, बकेट में देख नीज तक डूबे पूरे। सिर्फ पंजों का ख्याल थोड़ी रखना है, बाकी पैर में भी तो टैनिंग हुई है तेरे। हो गए 1.5 से 2 मिनट, अब बाहर निकाल भी ले, फुट स्क्रबर से अपने फुट को स्क्रब कर ले। देख हो गई ना तेरी स्किन लूज, अब कितने आराम से तेरी डेड स्किन निकल रही है। अगर बिना गलाए करती ना तो तेरे पैर कट जाते, खून निकल जाता। तो दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो आपकी डेड स्किन को लूज करेगा, और बेकिंग सोडा एंटी बैक्टीरियल होता है और माइल्ड एक्सफोलिएटिंग की तरह काम करता है। अब फिर से डुबा ताकि तेरी डेड स्किन हट जाए तेरे पैरों से, और अब हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए ले पिसे हुए चावल, अब इसमें 1 चम्मच डाल हनी। ए खा मत, इसमें डालना है। अब दूध लेना है 2 से 3 चम्मच, ज्यादा भी ले सकती है, डिपेंड करता है कि थिक पेस्ट बनना चाहिए। ये बन गया, अब इसको पैर पे स्क्रब करना चालू कर। देख चावल ना सनबर्न को सूद करता है और टैनिंग भी हटाता है। देख देख जहाँ तेरे चप्पल के निशान बने थे वहां पे स्क्रब कर। देखिए 1 दिन की टैनिंग है, अभी आई है तो इंस्टेंटली इससे चली भी जाएगी, और इससे नई नई धीरे धीरे करके पुरानी टैनिंग भी चली जाएगी। और हनी एंटीऑक्सीडेंट्स और मॉइस्चराइजेशन से भरा होता है जिससे तेरे पैर ग्लो करने लगेंगे। और दूध का बेनिफिट तो मैंने तुझे बता ही दिया, बार बार मत पूछ। ये तो चली गई, और पुरानी होगी तो 2 से 3 बार में चली जाएगी। अब इसको वॉश करके और देख बिफोर आफ्टर का था ना, इंस्टेंट जाएगी। अपने पैरों को पैड ड्राई कर। पैड ड्राई कर लिया, और ये उंगलियों के बीच में कौन करेगा? यही तो जगह जहाँ छोड़ देते हैं लोग, इससे बनता है इन्फेक्शन। अब करना है मॉइस्चराइजेशन, कुछ भी नहीं है इसमें, बस बॉडी लोशन ले, उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स कर। ऑलिव ऑयल नहीं है तो जो ऑयल तुझे सूट करता है वो मिक्स कर ले, और जैसे अब बॉडी लोशन लगाती है वैसे ही अपने पैरों को इसको एब्जॉर्ब होने तक मसाज कर ले। अब ऑयल से क्या होगा, तेरी स्किन बहुत ज्यादा टाइम तक मॉइस्चराइज बनी रहेगी और स्मूथ भी दिखेगी। और धूप में सैंडल्स को थोड़े दिन अवॉइड कर दे, रात में पहन लिया अगर सैंडल्स, हाँ ऐसी चप्पल पहन ले तो बहुत ही बढ़िया है। बस 2 मिनट सोक, 2 मिनट स्क्रब और 1 मिनट बॉडी लोशन, 5 मिनट में तेरे पैर चमचम आ गए। मान लिया मेरी माँ, अब बता कब कब करना है? अरे हफ्ते में 1 से 2 बार कर ले बहुत है। चल अब बताती कुछ बोनस टिप्स। सबसे इम्पोर्टेंट, तू जब भी नहाती ना तो टब में खड़े होके ना, उससे क्या होगा सारा पानी इसमें इकट्ठा होगा और तेरे पैरों की गंदगी गल के हट जाएगी, और जब तू ये पेडिक्योर करेगी ना उससे तुझे दुगना फायदा होगा। देख हाथ की नाखून को भले भरा लेकिन पैर की नाखून ट्रिम करके रखने चाहिए। क्यों? देख लंबे नाखून से क्या होगा, कहीं पे भी ठोकर लगेगी, जरा सी ठोकर में वो उखड़ जाएगा और दर्द भी बहुत करता है, शूज में भी दर्द होता है। तूने देखा मम्मी लोगों को कितनी मोटी पैड पहनती है, और जब वो नहाती है ना तो उसमें पानी भर के रह जाता है जो कि बहुत देर तक स्किन को गला देता है जिससे वहां की स्किन काली हो जाती है। तो मैं तो कहूंगी मोटी पैड कभी कभार पहनो और डेली यूज के लिए पतली पैड पहनो। अब बात करते हैं टोरिंग यानी पिछिया। तूने देखा उसके एंड से स्किन कट जाती है? हां मम्मी की कई बार स्किन कट जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे एंड वाले बिछे की जगह ये जो रिंग आती है ना इस टाइप से पूरा पैक बिछिया पहनना चाहिए, इससे आपकी स्किन कटेगी नहीं। देख लाइक आ गए, हाँ सब्सक्राइब भी आ गए, आ गए, मेरे पास बहुत कम है तेरी तरह वेल नहीं। चल देखती रही अपने पैरों को खुश होती रही मैं चली, और आप लोग मेरे सुंदर से पैरों की ना इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख लेना, और इसके जो गंदे से पैर है ना वो भी देख लेना पहले। हाँ अब तो साफ कर दिया है ना, तेरी रेमेडी यूज करी मैंने। चल।